देखिए, ये तो जो मेरा अपना कलेक्शन है, अगर मैं इसको मेमोराइज करूं तो मुझे लगता है 30-35 साल का मेरा ये कलेक्शन है। और बचपन से ही एक शौक रहा, पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो कहीं भी मैं, खासकर मैं विंटेज कलेक्शन पे काफ़ी फोकस करता हूँ। तो पहले मैगजीन में, पेपर में फोटोग्राफ्स आते थे विंटेज कार के, तो मैं उसको काट के रख लेता। उनसे जब, जो मेरे कजन्स वगैरह बाहर हैं, जब उनसे बातचीत की तो मालूम चला कि अच्छा ये है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुआ। कुछ कंपनियाज हैं इंडिया में, जैसे बी बुरागो हैं, सिग्नेचर हैं, उसके बाद आपके अमेरिकन डायनोरामा हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब मॉडल को कंपनी से कांटेक्ट करके ओरिजिनल रिप्लिका को बनाने का उनके पास लाइसेंस है। इंडिया में कुछ मॉडल हैं जो कुछ सस्ते रेंज में, इंटरनेशनली काफ़ी महंगे महंगे भी हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी महंगा, जिसको हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, 1 लाख 2 लाख डॉलर में भी ये रिप्लिका, ये मॉडल मिलते हैं। तो ये तो अपने अपने बहुत महंगा शौक है, लेकिन एक लिमिटेशन के हिसाब से मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो सबसे महंगा मॉडल है जो मैंने इन्वेस्ट किया अपना, वो 3,500-4,000 रुपये का है। 5,000 के रेंज में मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं। ये जो चीज़ अभी आपने शूट की, ये बेसिकली ओरिजिनल जो कार होती है उसका ये रिप्लिका होता है। ये वैसे ही एज इट इज़ ओरिजिनल है, जैसे आपकी ओरिजिनल कार होती है। ये कंपनी डायरेक्ट बनाती है, जो भी कंपनी अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करती है वो अपने जो सराउंडिंग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके लोगों को अवेयर करने के लिए ये मॉडल को डेवलप करती है। उसके बाद ग्रेजुअली इसका एक ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों को लगा कि भाई ये चीज़ जो है ये कलेक्टिव मॉडल भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक संग्रह करने का, एक कलेक्शन करने का ये होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने डिसाइड किया कि भाई जो भी प्रोडक्ट, जो भी कंपनी बनाए उसका एक मॉडल बनाए, और जो कलेक्टिव, और जो इसको कह लीजिए कि शौक रखते हैं इसके कलेक्शन का, वो इस मॉडल को देख करके, जो ओरिजिनल गाड़ी बहुत से लोगों के अप्रोच से बाहर होती है, वो इसको देख करके एज इट इज़ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो कुछ इंडिया में अब जा करके ऑनलाइन जब से हुआ है तो क्या कहते हैं यहाँ पे मिलने लगा ले। तो पहले मोस्टली, ये तो मैं आपको बताऊँ, आज से 10-12 साल पहले मुझे एक गिफ्ट आता था बाहर से, तो लोग, मेरे कुछ रिलेटिव है बाहर, वो जब आते थे तो पूछते थे गिफ्ट क्या, तो मैं कहता था मॉडल लेते आए, तो वो समझ ही नहीं पाते थे होता क्या, तो वो खिलौना उठा के ले आते। बेसिकली ये टॉय नहीं है, ये कंसेप्ट लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी जो आपने शूट किया, मेरे पास एक भी टॉय नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल रिप्लिका है। जो ओरिजिनल कार होती है, जो इंडस्ट्री में रोड पे अवेलेबल है, वो उसका ओरिजिनल मेरे पास मॉडल है। ये आपके पास कितनी संख्या में है ये देखिए, रेप्लिका? कार तो मेरे पास ऑलमोस्ट हमको लगता है 1500 से 1700 के लगभग है। बाइक मेरे पास हमको लगता है 9 से 1000-1200 के लगभग मेरे पास बाइक है। ये यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसमें ईंधन डाल दिया जाए तो ये चलने, हाँ, अगर ईंधन डाल दिया अगर जाए इसमें ईंधन डाल दिया जाए तो ये चलने लगता है।